उस व्यक्ति ने प्रचार किया, सोचा कि जी अच्छी पार्टी होगी, अच्छा काम करेगी। जब वो बीजेपी अत्याचार करने लगी तो मैं बर्दाश्त नहीं हुआ, अत्याचार करेगा तो मैं अपने घर का भी विरोध करेंगे। डकैती छोड़ के नेतागिरी करवे की ख्वाहिश उतनी सफल नहीं हो पाई, लेकिन अभी भी कोशिशें जारी है। चंबल के पूर्व कुख्यात डकैत मलखान सिंह अब कांग्रेसी हो गए हैं। आज उनने कमलनाथ के सामने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। मलखान सिंह के संगे उनके सहयोगियों ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और मलखान सिंह ने कसम खाई कि जितने भी प्रचार करें उतने कांग्रेस पार्टी चुनाव जीते। मैंने अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज भी मैं आपसे वादा कर रहे हैं, मैं सच्चाई से काम करूंगा, बिकूंगा नहीं। टिकाऊ आदमी है, चंबल का आदमी कभी बिकता नहीं है। और बहन बेटियों की रक्षा कर भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल हमारी जनता खत्म कर देगी 2023 में। तो मैं दावा करते वादा करते हैं कि सरकार तो कांग्रेस की भोपाल में काम करेगी, दिल्ली में काम करेगी, अकेले में जनता का बहन बेटी का मैं स्वयं अपने हथियार लेके बहन बेटी रक्षा करेंगे और पूरे प्रदेश में कहीं बहन बेटी पे आंच नहीं आने देंगे। आप भी बीजेपी में थे, अरे बीजेपी में बड़े बड़े बीजेपी में रहे, बड़े बड़े उसमें रहे। मैं कोई बीजेपी से टिकट तो मिला नहीं, मुझे कोई बीजेपी ने कोई टिकट तो दिया नहीं जो हमको ऋणी हो। मैंने उस व्यक्ति ने प्रचार किया, सोचा कि जो अच्छी पार्टी होगी, अच्छा काम करेगी। जब वो बीजेपी अत्याचार करने लगी तो मैं बर्दाश्त नहीं हुआ, अत्याचार करेगा तो मैं अपने घर का भी विरोध करेंगे, मैं किसी का बर्दाश्त नहीं करूंगा। कहां से टिकट आप मांग रहे हैं? नहीं, टिकट मांग रहे हैं आप? टिकट कहीं से मांग रहे हैं जी? आप टिकट कहां से लड़ेंगे? चुनाव कहां से लड़ेंगे? चुनाव लड़ने से सुधार नहीं होगा, मेरे अकेले चुनाव से कुछ नहीं होगा। मैं अभी तो जनता की सेवा करेंगे, चुनाव का मूड मैंने कभी नहीं बनाया। मैं जनता की सेवा करूंगा, मदद करूंगा और कांग्रेस सरकार पार्टी को मजबूत करूंगा। जब कांग्रेस सरकार पार्टी मेरी मजबूत हो जाएगी तो मैं जनता की सेवा के लिए उतरूंगा। आज जनता की सेवा कर रहे हैं, हम किसान के बेटे हैं, जमीन है, पूजा करते हैं, नहीं कि मंदिर बनाए हमारी खेती पे, हम कहीं नहीं बढ़ रहे। VIP लोग नहीं है, अकेले मैंने वायदा किया है कांग्रेस से, मैं सच्चाई का काम करूंगा, भाजपा जैसा काम नहीं करूंगा। अन्याय की लड़ाई जरूर लड़ूंगा और बहन बेटी की रक्षा के लिए मलखान सिंह बिल्कुल एक सिपाही और पहरेदार बनकर रक्षा करेगा। मुझे बलात्कार जो हो रहा है वो मुझे एक कांटे की तरह चुभ रहा है। ये जो तो मैंने 15 साल के जीवन में 2.5 साल की 3 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार, और कम से कम कॉलेज में हमारी बहन बेटी नहीं जा रही, ये क्या है? अन्याय अत्याचार इतना बढ़ गया है। भाजपा सरकार में मुखी ताली बजाए रहे, अपनी कोठी बनाए रहे, फैक्ट्री लगाए रहे, ये पैसा कहां ले जाओगे? मंदिर के बाद तुम्हारे पास क्या बचेगा? पूर्व डकैत मलखान सिंह भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं। साल 2014 में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करी थी। 2018 के विधानसभा के चुनाव में उनको टिकट की चाहत थी, लेकिन वे टिकट नहीं पा पाए और उनने इस्तीफा दे दो। तो इसके बाद वे शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और अब वे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मलखान सिंह एक बार करेरा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन चुनाव हार गए। उनके सियासी सफर में कभी सफलता नहीं मिली, हालांकि उनकी पत्नी सरपंच जरूर बन गई थी। एक टाइम ग्वालियर चंबल के बीहड़ों में मलखान सिंह को राज चलत, तो मलखान सिंह को नाम सुन के लोग कांप जाते। 100 से ज्यादा मामला दर्ज होते उनके ऊपर और चंबल के खूंखार डकैत के तौर पर उनकी पहचान होती। मलखान सिंह पे अपहरण, हत्या, डकैती के कई मामले होते। उनने 1982 में आत्मसमर्पण कर दो और फिर 6 साल उनके जेल में गुजरे। 1989 में उनको सब मामलों से बरी करके जेल से रिहा कर दो। मेरा बीजेपी में छोड़ने का एक ही कारण है कि मुझे अन्याय बर्दाश्त नहीं हुआ। गरीबों की जमीन छीनी है, सामने भाजपा का प्रदर्शन तीन जिले में सबसे ज्यादा चल रहा, सिपरी, गुना और अशोकनगर। इनने गरीबों की जमीन पे कब्जा किए, कांग्रेस के एक आदमी ने किसी जमीन पे कब्जा नहीं किया। सारे भाजपा की सरकार में इनके कब्जा कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, फर्जी लोगों को दोष लगा रहे हैं, फर्जी लोगों को जेल में पहुंचा रहे, किसान की गरीब की जमीन छीन रहे। अन्याय नहीं मुझे बर्दाश्त हुआ। अगर अन्याय मुझे बर्दाश्त होता तो 15 साल अपने परिवार को छोड़कर भीड़ में कंकड़ पत्थर में कांटों में अपना जीवन नहीं गुजारते। मलखान सिंह की जिस समय चंबल इलाके में तूती बोलत थी, उस समय उनके पास कई अत्याधुनिक हथियार भी होते। 1980 के दशक में AK-47 भी उनके पास होती और
हमेशा लगभग दो दर्जन लोगों के गिरोह में मलखान सिंह घिरे रहते और बीहड़ों में खुले आसमान के नीचे इनको ठिकाना हो, तो अब उनकी कोशिश है कि कांग्रेस में उनको ठिकानो बन पावे। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।